चाहते हैं इनकलाब विकास दल सत्ता में आने के बाद में हम इन लोगों को इनका अधिकार दिलाएंगे, मजदूरों को, श्रमिकों को उनका हक दिलाएंगे। इनकलाब विकास दल गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक, समाज, जो 80% समाज है देश का, उसको लेके चिंतन करता है, उनकी स्थिति को देखता है। कई MSP मूल्य का झगड़ा है, कई ओलावृष्टि का झगड़ा है, धनाढ्य लोगों के कर्ज माफ एक मिनट में कर दिए जाते हैं और किसान को राहत देने के नाम पर सरकार के राजकोष में कोई धन नहीं बचता, कोई पैसा नहीं बचता, उसके लिए हम आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। इस कड़ी में एक ऐसी पार्टी जो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने की बात कहती नजर आई, हम बात कर रहे हैं इनकलाब विकास दल की, जो आज दिल्ली के कोटला पटपड़गंज स्थित अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा करते नजर आए। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, तो वहीं पार्टी के आलाकमान ने लोगों को प्रदेश की जिम्मेदारियां भी दी। इस कड़ी में आबिद मोहम्मद खान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कई राज्यों का प्रदेश प्रभारी भी बनाया। और देखिए, जब इनकलाब विकास दल के पदाधिकारी जब मीडिया से रूबरू हुए तो क्या कुछ कहा। खान, आबिद मोहम्मद खान, निवासी मालगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। अमित सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? इनकलाब विकास दल पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए काम कर रही है, और अब तक जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं सेंटर में, वो गरीबों, मजदूरों को सिर्फ चुनाव के टाइम इस्तेमाल करते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। हम चाहते हैं इनकलाब विकास दल सत्ता में आने के बाद में हम इन लोगों को इनका अधिकार दिलाएंगे, मजदूरों को, श्रमिकों को उनका हक दिलाएंगे, और जो देश में माहौल बना रखा है इन्होंने वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़े करा के एक दूसरे के पास, ये गलत तरीका है। विकास की बात करें हमारे देश के लिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर जो देश की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करता, ये एक दूसरे जात पात धर्म को विवाद करके करता, वो देश के विरुद्ध है, इससे देश नुकसान में जाएगा। और मैं चाहता हूँ इनकलाब विकास दल और देश की सारी पार्टी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप विकास के लिए गरीबों को आगे लाएं, किसानों को, मजदूरों को रोजगार दें, मेरा तो यही है आह्वान है। इनकलाब विकास दल क्या कहेंगे इनकलाब विकास दल के जनता तक पहुंचने का क्या चुनावी मुद्दा है? इनकलाब विकास दल में अभी हमारे इनकलाब विकास दल के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट नाथू सिंह जी गुर्जर ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और 5 स्टेट का स्टेट कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया है, उसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। मैं इनकलाब विकास दल के जरिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को और देश के सभी इनकलाब विकास दल के सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आने वाले 5 साल में इनकलाब विकास दल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करने का मैं वादा करता हूं, और आप सभी के सहयोग से हम 5 ही स्टेट के साथ साथ हम MP के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारेंगे, MLA के चुनाव में उतारेंगे, और हम आज जो कांग्रेस और भाजपा करे हम इनको टफ कंपटीशन देंगे और हम सेंटर में सरकार बनाने की कोशिश करें। इनकलाब विकास दल गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक, समाज, जो 80% समाज है देश का, उसको लेके चिंतन करता है, उनकी स्थिति को देखता है, तो इतने लंबे समय में आज़ादी के लंबे समय में उनको जो बराबरी का दर्जा मिलना था, उनको पार्लियामेंट विधानसभा में जाने का मौका मिलना था, वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो आज हमारे सामने हैं उन्हें मौका ही नहीं दिया, तो आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जो गरीब है, कमज़ोर तबके का है, अगर हमारी इनकलाब विकास दल से टिकट भी हम दे दें उनको, तब भी वो जो सवाल करता है कि पैसे नहीं है तो मैं कैसे इलेक्शन लड़ूँगा, तो जब पैसे नहीं है तो जो आदमी नहीं लड़ सकता, तो वो मजबूरी में जो उसका वाजिब हक है
उसको जो है छोड़ देता है, तो आखिरी पे वो वोटर बन जाता है जो पूंजीपति और धनाढ्य लोग हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके लिए वो वोट करता है। आज के दौर में कहीं MSP मूल्य का झगड़ा है, कहीं ओलावृष्टि का झगड़ा है, धनाढ्य लोगों के कर्ज माफ एक मिनट में कर दिए जाते हैं और किसान को राहत देने के नाम पर सरकार के राजकोष में कोई धन नहीं बचता, कोई पैसा नहीं बचता, उसके लिए हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। गांव गरीब मजदूर किसान पशुपालक समाज के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा का विधान हो और शिक्षा उनके लिए फ्री हो, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस पर इंकलाब विकास दल काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगी कि मुबारकबाद देना चाहूँगी, कहते हैं ना हनुमान ने रावण की लंका उजाड़ दी थी और आज मेरा भाई एम खान आ गया मोदी की लंका उजाड़ने के लिए। मेरा सारी जनता से आग्रह है कि अगर आज आप इंकलाब विकास दल के साथ नहीं खड़ेंगे और अच्छी सरकार नहीं लेके आएंगे तो मोदी आज किसान हमारा जो अन्नदाता है, क्योंकि सारी दुनिया अगर भाग रही है तो पेट के लिए भाग रही है, अगर सारी दुनिया भाग रही है तो पेट के लिए भाग रही है, कहाँ सो रही है आज की ये जनता, सभी धान तोड़ा जा रहा है, हर चीज़ तोड़ी जा रही है, अगर आज आप नहीं उठे, अगर आज आपको नहीं बढ़ेगा, क्या कह रहे हैं मोदी भाई कि मोदी भाई का बोला बोला है, नहीं है बोला बोला, वो मैंने आते हुए चंडीगढ़ से देख लिया कैसे बैरिकेड लगे हुए हैं, ये इंसाफ है, ये राजा है हमारा आज का देश का, अगर आज नहीं जाके तो देश तुम्हारा, पहले गुलाम थे आज चूड़ियाँ पहनाने के वक्त आ चुके हैं, मोदी चूड़ियाँ पहना रहा है भाइयों और बहनों और बच्चों बुजुर्गों, अगर आज आप लोग एक नहीं हुए तो चूड़ियाँ पहनने के लिए तैयार हो जाओ, पहले इतना देश गुलाम रहा, अब वापस फिर गुलामी की लाइन में आ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि इंकलाब विकास दल अपने एजेंडा के मुताबिक आगे बढ़े, इनका अच्छा भविष्य है, पॉलिटिक्स में आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा जनता को, अपने साथियों को, और इससे लेकर के आगे बढ़ने से पॉलिटिकल पावर जिसके पास आएगी वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पावर उन्हीं के पास में है। आज एक बच्चे को आप पढ़ाएं MA वो 15 या 16 साल में कम्प्लीट करेगा, उसके बाद 2 साल सर्विस में लगेंगे, 2 साल पैर जुड़ने, 20 साल उसको लगेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पावर जब वो काउंसलर की है, MLA की है, MP की है, 24 घंटे के अंदर उसकी पावर आ जाती है और वो देश की जनता की अपने लोगों की इतनी भलाई कर सकते हैं इसकी उम्मीद नहीं है। इरादा हमारा ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचनी चाहिए। आज हमें इंकलाब विकास दल की तरफ से जहां मौका मिला आने का और इंकलाब विकास दल को क्यों आवश्यकता पड़ी ये अभी बताया गया, सभी ने बताया कि क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आई है आज तक, जितनी भी सत्ता में सरकारें आई है, उन्होंने कोई भी गरीब के ऊपर कोई काम नहीं किया, इन्होंने मतलब 52 से लेके पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए जो होती है वो निकाली और 10 लाख करोड़ रुपए उसमें ये ऐड लेते हैं, बाहर से विदेश से कर्जा लेते हैं गरीबों को देने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी आज तक नहीं हुआ, 17 योजनाएं हो गई है। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावल और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।